कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखो मेरी बड़ी पुरानी एक याददाश्त है बच्चे की, जिस से मुझे गिफ्ट मिला था उसी कढ़ाई को मैंने कभी नहीं फेंकना ना फेंका। तो इसमें मैं आज क्या कर रही हूँ, ये एलोवेरा जेल है। ये बहुत से फॉर्म में मैंने आपको बताया था ये कर लेते वो कर लेते, तो मैं आप इसको ना भूल के ना टमाटर प्याज इसका दही का वो थोड़ी चटनी बनाई हुई है वो अंदर डालूंगी, तो देखना मसाला तैयार करूंगी। और जो भी सालन खाओ ये बना के पास रख ले, एक चम्मच इसका भी खा लिया करें, या चाहे इसमें अंडा भी डाल के बना सकते हो, बहुत मज़े का बनेगा। मैं इसको इतना पकाऊंगी जैसे करेले ब्राउन नहीं करते, तो फिर जब ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एलोवेरा तो मैंने आपको फ्राई होता दिखा दिया है, वो एक कप है। उसके मुताबिक मैंने बड़ा एक प्याज ले लिया, एक टमाटर ले लिया, ये धनिया है और एक हरी मिर्च ली है। ये मैंने पुदीना और क्या धनिया की थोड़ी चटनी बनाई, आप सादा दही भी डाल सकते हैं। ये बस इतना सा नमक, हल्दी, ये जीरा और सूखा धनिया का पाउडर, ये नमक, लो जी बस ये हैं इसके मसाले। तो मैं वो दिखाती हूँ कितना ब्राउन, ये चेक करें, ये देखो कितना फुड़क रहा है। तो ये उछलता जैसे मकई के दाने होते हैं, तो लेकिन ये ना तकरीबन कुक हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, ये जो पानी था वो उसने अपने अंदर जब करके चला लिया है, और ये जो टुकड़े हैं ये देखो काफ़ी हद तक पक चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, मुझे इतना ही चाहिए। ये प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए, कोई लहसुन अदरक पेस्ट कुछ भी नहीं डालना। ये इतनी मुफीद चीज़ है ना कि आप जब बना के रख लेना तो ये तीन चार दिन आप आराम से करके सारे फ्राइड खा सकते हैं। सुबह फ्राई अंडा लो, एक चम्मच इसका डालो, मसाला जब तैयार हो जाएगा, साथ में जो ब्रेड या रोटी या जो भी आपका दिल चाहे खाने को आप खाओ। सर्दियों में तो कम से कम इसको इन्जॉय करो, और सेहत के लिए इतना अच्छा है ना, ये जो आपकी हमारी अंदर की प्रॉब्लम्स है ना वो काफ़ी हद तक इससे हल होगी। बड़ा अच्छी चीज़ है ये, चाहे इसको कच्चा खाओ, ऐसे खाओ, शैम्पू में डालो, या वैसे बालों को लगाओ, चेहरे पर लगाओ, क्या चीज़ अल्लाह ताला ने इसमें नहीं रखी। ठीक है ना, तो चलो मैं भूल के ना बाकी सिखाती हूँ भाग के। ये चेक करें, मसाला हो गया है तैयार। तो अब हम डालेंगे ये सारे नमक मिर्च, ये सारा लो जी को भरी प्याज है, और ये चलेगा हमारा चलो। ये चेक करें कितनी प्यारी शक्ल बन रही है ना, ये बना के रख दिया करें, किसी को बताने की भी नहीं घर में जरूरत, इनको ऐसे ही खिलाओ बच्चों को बड़ों को जो नहीं खाते। चलो धनिया और मिर्च भी गई अंदर, 5 मिनट के बाद ये टोटली डन। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद या रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखा करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।